हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ टुडेस क्वेश्चन ऑफ सिलॉग्स। ठीक है, तो हमारे सिलॉग्स में जो हमारा स्टेटमेंट है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन से कंक्लूजन सही है। ठीक है, हिंदी में स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं और कंक्लूजन को निष्कर्ष। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है ऑल रिवर्स आर वाटर। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ऑल रिवर्स आर वाटर। ठीक है, सभी रिवर्स वाटर है। उसके बाद बोल रहा है सम वाटर इज अ पॉन्ड, तो वाटर का कुछ पार्ट सम वाटर इज अ पॉन्ड। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नो पॉन्ड इज अ ट्री, तो पॉन्ड और ट्री के बीच में मैं नो का रिलेशन बना देता हूँ, नो पॉन्ड इज अ ट्री। फिर बोल रहा है ऑल ट्रीज आर जंगल्स, मतलब सभी ट्रीज जंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने कंक्लूजन या निष्कर्ष को चेक कर लेंगे। हमारा पहला कंक्लूजन है सम रिवर्स आर पॉन्ड। ठीक है, सम रिवर्स आर पॉन्ड, कुछ रिवर्स पॉन्ड है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष जो है, ये कंक्लूजन जो है हमारा गलत है, मतलब पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो गलत हो गया, क्योंकि सम रिवर्स पॉन्ड है ऐसा डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अगर बोलता सम रिवर्स आर पॉन्ड इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो हो सकता था अगर रिवर यहाँ होता, बट डेफिनेट नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम वाटर इज नॉट ट्री, सम वाटर इज नॉट ट्री, कुछ वाटर ट्री नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कुछ वाटर ट्री नहीं है, तो आप ध्यान से देखो जो पॉन्ड था, ठीक है, पॉन्ड का ट्री के साथ नो करिलेशन है, मतलब पॉन्ड के अंदर जितना पार्ट है वो ट्री का भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वाटर और पॉन्ड के बीच में सम करिलेशन है, मतलब ये वाला पार्ट वाटर का जो पॉन्ड के अंदर है ये कभी भी ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज व्हाई सम वाटर आर नॉट ट्री, ये हमेशा 100% हर बार होगा, इसलिए दिस इज डेफिनेट एंड दिस कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, हम अपना थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। बोल रहा है ऑल रिवर्स बीइंग जंगल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिवर्स बीइंग जंगल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारा रिवर जो है वो जंगल के अंदर आ सकता है, ये संभावना है। ठीक है, तो संभावना में जब भी अगर नेगेटिव डायरेक्ट स्टेटमेंट ना हो तो कंक्लूजन मैक्सिमम टाइम सही होता है, क्योंकि ऑल ट्री आर जंगल था, तो जंगल को मैं इतना बड़ा ऐसे बना सकता था। ठीक है ना, कि जंगल सबको कवर कर रहा है, क्योंकि जंगल के बारे में तो और कुछ दिया नहीं, बस सारे ट्री को जंगल के अंदर लाना है। अगर जंगल को मैं ऐसे बड़ा सा बनाता, ठीक है, इतना बड़ा बनाता कि वो पूरे इस पार्ट को ऐसे कवर कर रहा है, तो सारा रिवर जंगल के अंदर आ सकता था, मीन्स पॉसिबिलिटी है, हेंस अवर थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो आपका सी ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, so I hope you like the solution. Thank you.